हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी राजस्थान के AICC के रंधावा साहब, कुंद धुतासा जी, डॉक्टर CB जोशी जी, तमाम हमारे यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, मंत्रिमंडल सदस्यगण, विधायकगण, AICC के कोऑर्डिनेटर, सचिव, तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, खड़गे साहब को बोलना है कि मेरे लिए एक तरफ सम्मानित मंच है और दूसरी तरफ आप जनता जनार्दन है जो माए बाप होते हैं लोकतंत्र के अंदर। आप जिसको आशीर्वाद देते हैं उसकी सरकार बनती है, इस बात का एहसास हम सबको है। और ये कांग्रेस का दिया हुआ अधिकार है जनता को, महात्मा गांधी के जमाने के अंदर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद के साथ साथ में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया संविधान। आज 75 साल हो गए हैं उसको सामने रख करके, देश एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो लंबी कहानी आज़ादी के पहले की, आज़ादी के बाद की भी। आज क्योंकि पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजस्थान की धरती पर आए हैं, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान भर के कांग्रेसजनों की ओर से और मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि खड़गे साहब करीब 60 साल उन्हें आए इनको राजनीति के अंदर। मैं तो 50 साल की बात करता हूं आपसे, मुझसे ज्यादा सीनियर ये हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव ये हैं। जमाना देखा इन्होंने, कई उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं बार बार कहता हूं अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है, एक अनुभवी व्यक्तित्व का धनी आज हमारे बीच में आए हैं। अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। मैं चाहूंगा उनको सुने, मैं तो रोज बोलता रहता हूं, लाइव होता आजकल तो मीडिया में, टीवी में चलता रहता है। मैं चंद बातें कहूंगा जरूर, पर मुख्य रूप से मैं चाहूंगा हर खड़गे साहब को सुने, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में, देखिए आप आज जो महागठबंधन मना है विपक्षी पार्टियों का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका खड़गे साहब की रही है। आप सोच सकते हैं इंडिया नाम का गठबंधन बनने से ही प्रधानमंत्री मोदी जी हो, NDA गवर्नमेंट हो, RSS हो, BJP हो, सबकी चूल्हे हिल गई है। हालात ये बन गए हैं, किस प्रकार के रिएक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार के कोस रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री अगर विपक्ष का गठबंधन ना है तकलीफ उनको क्यों हो रही है, आप समझ सकते हैं क्यों हो रही है। इसलिए आज मजबूत गठबंधन बन चुका है। खड़गे साहब जिस प्रकार सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी 1998 के अंदर, तब 15-17 राज्यों में सरकारें बन गई थी, कांग्रेस की बन गई थी। अब खड़गे साहब बने हैं, शुरुआत हो चुकी है। इनके अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचलम जीते हैं, इनके अध्यक्ष बनने के बाद में कर्नाटक जीते हैं, अब बारी आपकी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीते चुनाव। के बाद में कर्नाटक जीते हैं, छत्तीसगढ़ में जीते, सच्चाई हमारे पक्ष में है, जीत हमारे पक्ष में है। आप देखेंगे चारों ओर हमें मुकाबला करना है, BJP का चॉइस के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज जो प्रोग्राम रखे गए हैं, आपको मालूम है कि
आज जिस प्रकार से फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे गए हैं, स्कूटी वितरण भी हुआ दिव्यांगों के लिए, अभी लंपी रोग में गाय मर गई थी, आप सबको मालूम है हमने 40,000 रुपये दिए प्रति पशुपालक, मोबाइल मिल रहे हैं, अंग्रेजा शिविर चल रहे हैं, और आज जो लॉन्चिंग हो रही है मुझे खुशी है। आज जो मैंने वादा किया था आपसे महंगाई शिविरों के अंदर परिवारों को फायदा होगा, बीमा किया जा रहा है गाय का भैंस का, प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा, 40,000 का बीमा होगा, जिसे लॉन्चिंग में कर रहा हूँ अभी आपके सामने कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं एक के बाद एक एक घोषणा की थी, और आपको तो मालूम है कि राजस्थान आज देश में नंबर वन हो गया है दूध के उत्पादन के अंदर। कैसे हो गया है आप सबको मालूम है, हमने जो प्रोत्साहन दिया पशुपालकों को 5 रुपये दिया प्रति लीटर, बोनस दिया किसानों को आप सबको मालूम है, हमने जैसे बीमा मैंने कहा आपको उनके लिए फ्री दवाएं फ्री इलाज किया हुआ है, इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं उसका परिणाम आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं, अब हम गाँव का बीमा भी कर रहे हैं। इस मौके पर कहना चाहूंगा मैं प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा के अधिकारी है 5,000 प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता दिया जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक पशुधन प्रसार अधिकारी को 250 रुपये प्रतिमाह विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा, पहले का भत्ता मिलाकर 500 रुपये प्रतिमाह होगा, ये भी मैं घोषणा करना चाहता हूँ पशुपालकों के हित में। इसके अतिरिक्त पशुधन सहायक के वर्तमान पदनाम को संशोधित कर पशुधन निरीक्षक किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, जो बड़े लंबे समय से आपकी मांग थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आज जो हालात देश में हैं, जिस रूप में राजस्थान सरकार ने लगातार आपको आगाह किया है, देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जा रहा है पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन बुला लिया, अभी तक पता नहीं है क्यों बुलाया गया है, गुप्त रखा गया है, कोई कहता वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, पर लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को देशवासियों को बताओगे नहीं कि पार्लियामेंट का अधिवेशन क्यों बुलाया गया है, आप सोच सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल दबाव है, ये हालात देश के बन चुके हैं। मैं चाहूँगा हम सब राजस्थानवासी मजबूत रहें, एकजुट रहें, गुड गवर्नेंस दी आपको, और जिस प्रकार मैंने देखा कोरोना के अंदर हमने काम किया है, ये खड़गे साहब ये भीड़वाड़ा है जिला जहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले तकलीफ आई थी भीड़वाड़ा के अंदर, जिस प्रकार हमारे यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी ने जो मॉडल बनाया हमारे सहयोग से हमारे मार्गदर्शन में शानदार मॉडल बन गया, वही मॉडल कोरोना की मार के अंदर जहाँ कितने लोग मारे गए होंगे, बिलोड़ा मॉडल नाम हो गया देश में दुनिया के अंदर, WHO तक ने तारीफ करी थी मॉडल की, वो बिलोड़ा आज हम बैठे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कोई कमी नहीं रखी, ना तो कोरोना के अंदर रखी, फ्री इलाज किया गया, ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी गई, गुड गवर्नेंस दी गई है, आप सबको मालूम है आज शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है, हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, 25,00,000 का बीमा दे दिया किसानों के लिए, मिनिमम जो है हमने तय कर दिया है, तमाम किसानों को पूरा लाभ मिलेगा, पूरी जमीनें कुड़क नहीं होगी, ये हमने कानून बना दिया, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया, इस प्रकार से कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। मैं कहना चाहूँगा आप सबसे अपील करूँगा आप शांति से बैठे रहें, अभी खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे आपको, और कोई तरह की कोई डिस्टर्बेंस कहीं भी रहा है पूरी परवाह मत करो, ये चुनाव के वक्त में छुटपुट घटनाएं होती रहती है, आप शांति से बैठे रहें, यही मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ, अभी खड़गे साहब आएंगे अपनी बात कहेंगे,
मैं गलती कह सकता हूँ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हम लोग, सोशल सिक्योरिटी, तमाम तरीके से गुड गवर्नेंस दी गई है। इसलिए आज हर आदमी जवान पर है, सरकार रिपीट हो सकती, राजस्थान की रिपीट होगी, ये आज भावना सबकी है। इसलिए आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो और 4 यात्रा निकल रही है बीजेपी की, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तमाम यात्राएं फ्लॉप हो रही है, ये आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं खड़गे साहब को आग्रह करूंगा, आप आकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।